इंजीनियरिंग्स इंडिया शेयर को लेकर। बट कुछ और स्टॉक्स पर एक बार बात करनी है, EIL इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पर भी रखिए नजर, क्योंकि सुदीप जी ने सुबह यहाँ पर भी कॉल दी थी, और सुदीप जी तब से ये तब भी स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट दिख रहा था, बट उसके बाद और अच्छी मूव आई है। 290 का पहला टारगेट था वो हिट, उसी लेवल पर है। 295 का दूसरा टारगेट था इंट्राडे में, वो भी हिट हो गया। एक बार इस पर भी अपडेट दे दें सर, क्या करना चाहिए? दीपांशु, जो हिसाब से इंजीनियर्स इंडिया में मूव आया था ना, कि जब सुबह भी हमने डिस्कस किया था, तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पहला मूव आया और उसके बाद इसको फॉलो किया था इंजीनियर्स इंडिया ने। तो आज थ्रू आउट द डे हम देख रहे थे कि OMCs में भी एक अच्छा बाइंग है और उसके साथ इंजीनियर्स इंडिया में भी एक बाइंग आया। और ये बाइंग के साथ साथ हुआ क्या है कि जो मई 2024 का जो स्विंग हाई था 287-288 का, अब स्टॉक उसके ऊपर फॉर्मली सस्टेन कर रहा है। और उसके बीच में ये एक जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 210 भी स्टॉक रिटेस्ट कर चुका था, फिर कंसोलिडेशन हुआ। तो ये सारी जो गतिविधियां जो हुई थी ना, ये पिछले 3 महीने में, अब स्टॉक उसके बाद सब होने के बाद, सब वॉलिटिलिटी के बाद हायर लेवल्स पे अब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक अपनी जो एक चाल है, जो एक रेंज है, वो चेंज कर रहा है यहाँ पे। और जिन्होंने नीचे के लेवल पे भी लिया हुआ है वो इसे होल्ड करें, 283 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना ले। और जब तक 283 होल्ड करता है, मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए ये स्टॉक 305 और 315 तक भी ये टारगेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसे राइड करें, जरूरी अगर बड़ी क्वांटिटी है तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर ले, पर एटलीस्ट कुछ शेयर्स अपने पास रखें कि आप ये जो मूव नीचे से, अब जो ये मूव ब्रेकआउट आया है उसको आप इंजॉय कर सके। तो ये है आपके लिए EIL, जहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स में कोई परेशानी ही नहीं है इस समय, लगभग पूरे मार्केट में ही अच्छा एक्शन बना हुआ है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स आपका वापस डेज हाई की तरफ आ रहा है, यहाँ पर रखेंगे नज़र।